हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो जैसा कि आज है 1 जुलाई और कल यानी 2 जुलाई 2021 से इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी यानी जनरल ड्यूटी, नाविक डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच तथा यांत्रिक के 1-2022 बैच के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं। 2 जुलाई को सुबह 10 बजे से शुरू होंगे और ये 16 जुलाई के शाम के 6 बजे तक हैं। एक एक छोटे से छोटे टॉपिक से लेकर बड़ा सा जो टॉपिक है उन सभी पे बात करने वाला हूं। हर एक चीज क्लियर कर दूंगा क्योंकि कल से अप्लाई करना है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आपको अप्लाई करने से पहले सब कुछ पता होना चाहिए, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। और एक सबसे बड़ा जो झोल है वो है सर्टिफिकेट्स का, और वो भी ओबीसी सर्टिफिकेट का। तो वो भी आज क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन करो जाकर क्लिक करके लिंक पे। क्योंकि अगर आप कल से अप्लाई करते हो, आपको कोई भी दिक्कत होती है और कल से लेकर एग्जाम तक कोई भी दिक्कत होती है तो पूरी हेल्प मेरी ओर से प्रोवाइड की जाएगी आपको। आप बस जाकर ग्रुप में और चैनल पे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले तो बता दिया कि 2 जुलाई को शुरू होगा। वैसे मैं बताऊंगा भी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको अप्लाई करना है इस बार, और सभी चीज़ें क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो आपका अगर आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, और आपने 10+2 पास करा है मैथ्स एंड फिजिक्स में किसी भी एजुकेशनल बोर्ड से, तो आप इलिजिबल हो जीडी के लिए। अगर इन केस आपका 12th में कोई प्रॉब्लम है, लाइक आप फिजिक्स में फेल हो गए या मैथ्स में फेल हो या कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, 12th आप पास नहीं हो, 12th पास आउट नहीं करा आपने, तो आप 10th पास होकर भी डीबी के लिए एलिजिबल हो। आप जनरल ड्यूटी की जगह पे डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ 10th पास होना जरूरी है आपका, और इन दोनों में कोई भी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। एक और चीज़ यहीं पे क्लियर कर देता हूँ मैं कि आप किसी भी एक के लिए हैं अप्लाई करोगे। अगर आप डीबी के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आप जीडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप जीडी के लिए करोगे तो डीबी के लिए नहीं कर सकते। और ये ऑब्वियसली बात, आप जब अप्लाई करोगे उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कैसे। वहां पे सीधा एक सिलेक्ट करोगे दूसरा नहीं सिलेक्ट होगा, ठीक है, और दो बार आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एज की। एज 18 से 22 साल के बीच में है, और एज क्रिटेरिया एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूं। जीडी और यांत्रिक के लिए 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004, नाविक डीबी के लिए 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2004। ये है एज क्रिटेरिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन। सिंपल सी बात है, अगर आप एससी एसटी हो तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, अगर आप ओबीसी हो, नॉन क्रीमी लेयर हो, तो 3 ईयर्स का आपको मिलने वाला है रिलैक्सेशन एज में, ठीक है। अब देखो ओबीसी का क्या सीन है। ओबीसी आपके पास जो भी है ना, अगर मान लो स्टेट का है ओबीसी सर्टिफिकेट, तो आपको बाहर नहीं करेंगे, सिंपल सी बात, क्योंकि फेज टू हो रहा है, यानी इसका स्टेज टू जो कंप्लीट कराया जा रहा है उसमें ऐसी चीज़ें आई हैं सामने। तो आपको क्लियर कर देता हूं, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, तो आप उसके साथ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी अब बात रही कि कैसे तैयारी करनी है। तैयारी आपको अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज आज आप जानते हो 1 जुलाई हो गई, और इसमें अगर देखा जाए एग्जामिनेशन के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जामिनेशन की डेट क्या है, जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसके लिए। थोड़ा सा नीचे आते हैं, हाँ, स्टेज वन के बारे में बात करें तो स्टेज वन इन तीनों का जो है वो मिड या एंड सितंबर 2021 में होगा। तो ये कंफर्म ही है, क्योंकि अब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो जाता है या फिर जो कुछ भी, बट अगर अभी देखते हैं तो कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो अभी आपके पास मान लो 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक का टाइम है, तो 1 जुलाई 1 अगस्त 1 महीने, 1 अगस्त 1 सितंबर 2 महीना, और 1 सितंबर से 15 सितंबर 15 दिन, और यानी 2 महीने 15 दिन बोले तो 75 अच्छे से पढ़ना है हर एक, उसके बाद आपको एग्जाम देना है। तो आप कर सकते हो, आपकी मेहनत थोड़ी तो लगेगी, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगा ना, ये तो सिंपल सी बात है कि आपको बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिल सकता, ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। तो अभी से ही लग जाओ, मैं वैसे भी अनअकैडमी पे भी क्लासेस ले रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है प्रोफाइल का, जाकर चेक कर सकते हो। फ्री लाइव क्लासेस के लिए ABStudy10 कोड डालना होगा आपको, डेली क्लास।
बात करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अप्लाई करते टाइम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के लिए, स्टेजेस के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, बट मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई के टाइम पे डालना है। तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया गया है, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन। ये जो सिंपल सी चीज़ है ये मैंने पूरी तरीके से बना दिया है, एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देता हूँ, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना, ठीक है। फोटो आपका जो है वो न्यू होना चाहिए, जिसपे स्लेट लेकर के आपको अपने चेस्ट के पास और उस पर चॉक से आपको लिखना है अपना नाम और डेट ऑफ फोटो, ये दो चीज़ें लिखनी है आपको। ये बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जान लो, देख लो और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर दो। अभी के लिए मुझे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी थी, होप कि मैंने क्लियर कर दिया हो। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, पूछ लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। एंड लास्ट में ये आपके लिए एक अपडेट है जो कि ज़रूर देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अगर आप NDA, एयरफोर्स या फिर नेवी के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है तैयारी के लिए। आपको बता दूं अनअकैडमी पे प्राइस हाइक होने वाली है, यानी जो कैटेगरी है NDA, एयरफोर्स और नेवी, उसमें 1 जुलाई 2021 से चेंजेस दिखाई पड़ेंगे पेमेंट में, जो सब्सक्रिप्शन आप लेते हो उसमें। तो मैं यही बोलूँगा जल्दी से जल्दी आप सब्सक्रिप्शन ले लो अगर आपको आगे लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ के लिए जो प्राइसिंग थी वो अलग अलग हो गई, ये ओल्ड प्राइस थी और अब ये न्यू प्राइस हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करो अनअकैडमी को, इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। और बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ, लक्ष्य एयरफोर्स और नेवी 2021 के लिए बैच कोर्स है, कंप्लीट बैच कोर्स है, स्टार्टिंग 26 जून से शुरू हो रही है, ज्वाइन करो इसके लिए। और दूसरा जो हमारा बैच कोर्स है वो है टारगेट NDA 2 2021 बैच कोर्स, जो कि कंप्लीट कोर्स होगा, इसमें एडुकेटर्स भी आपके स्क्रीन पर ही हैं, स्टार्टिंग डेट इसकी 30 जून है। तो जल्दी से इनरोल करो, NDA में 200 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने और एयरफोर्स में 250 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने एग्ज़ाम क्वालिफाई करा था रिटर्न एग्ज़ाम को, तो आप भी बन सकते हो। आगे लेना कैसे ये बता देता हूँ, ये गेट सब्सक्रिप्शन है, क्लिक करना अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, उसके बाद आगे बढ़ोगे ये कुछ आपके सामने दिख जाएगा प्राइसिंग के साथ में। आप एक प्राइसिंग सिलेक्ट कर लेना, अपने मंथ सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे मेरा रेफरल कोड ABStudy10 डाल देना। उसके बाद आप जैसे ही प्रोसीड टू पे करोगे तो एक नया पेज होगा और ये आपके सामने आ जाएंगी डिटेल्स। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे कर देना, पेमेंट करना, आपका डन हो जाएगा और आप इनरोल कर पाओगे प्लस कोर्सेज को। तो जाओ जल्दी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।